बड़ी खबर, मुंबई एयरपोर्ट पर डीआरआई को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। डीआरआई ने दुबई से आ रहे एक यात्री के पास से 8 किलो से ज्यादा के गोल्ड का पाउडर बरामद किया है, जिसकी कीमत 4.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। बताया गया कि आरोपी यात्री अपने अंडरगार्मेंट्स में गोल्ड का पाउडर छिपा कर ला रहा था। इधर पाकिस्तान के कई सांसदों पर बड़ी कार्रवाई की गई। संपत्ति का ब्यौरा न देने पर वहां के चुनाव आयोग ने 271 सांसदों और विधायकों को निलंबित कर दिया, जिनमें नेशनल असेंबली के 136 सदस्य, 21 सीनेटर और 114 प्रांतीय असेंबली के सदस्य शामिल हैं। चुनाव आयोग की तरफ से सांसदों और विधायकों को 16 जनवरी तक संपत्ति का ब्यौरा देने के लिए कहा गया था, लेकिन इन लोगों ने संपत्ति का ब्यौरा समय पर नहीं दिया, जिसके बाद चुनाव आयोग ने ये कार्रवाई की। उधर भोपाल में गोडसे पर बनी फिल्म के विरोध में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। गांधी गोडसे एक युद्ध नाम की ये फिल्म 26 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी, जिसके विरोध में कांग्रेस ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस फिल्म के डायरेक्टर राजकुमार संतोषी का पुतला भी जलाया। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी फिल्म को दिखाने जा रही है जो एक हत्यारे की फिल्म है। वहीं राज्य के मंत्री मोहन यादव ने कांग्रेस पर बेवजह मुद्दे को तूल देने का आरोप लगाया। इसके बारे में बगैर देखे विवाद करना मैं नहीं समझता उचित है। जबकि निर्माताओं की दलील है कि फिल्म में नाथूराम गोडसे का महिमा मंडन नहीं किया गया है। दिल्ली के पास गाजियाबाद में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर नियम तोड़ने पर भारी जुर्माना लगाया गया। ट्रैफिक पुलिस ने मोटरसाइकिल सवार का 20,000 रुपए का चालान काटा, क्योंकि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर दो पहिया, तिपहिया और ट्रैक्टर ट्रॉली की एंट्री बैन है, जिसके लिए बकायदा नो एंट्री वाले साइन लगे हैं। इसके बावजूद कई लोग नियम मानने को तैयार नहीं दिखे। एंट्री का चालान किया जा रहा है और नो एंट्री का चालान 20,000 रुपए का है। ट्रैफिक पुलिस करीब 2,600 दो पहिया वाहनों के चालान काट चुकी है। पर इस बीच खबर दिल्ली एनसीआर के मौसम से जुड़ी हुई, क्योंकि आने वाले दिनों में मौसम एक बार फिर से दिल्ली एनसीआर में करवट लेने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले हफ्ते हल्की बारिश हो सकती है, ओलावृष्टि की भी संभावना है और इसी के साथ में तेज हवाएं भी चल सकती हैं, जिसकी रफ्तार 50 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। मौसम विभाग के मुताबिक 21 से 25 जनवरी के बीच एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित कर सकता है। इसकी वजह से हिमालयी क्षेत्र में 21 जनवरी को बारिश या बर्फबारी शुरू होने का अनुमान है, तो वहीं 23 और 24 जनवरी को दिल्ली, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान में अलग अलग जगहों पर ओलावृष्टि का अनुमान जाहिर किया गया है। और इधर जोशीमठ के बाद उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में भी कई मकानों में दरारें आने से लोग दहशत में आ गए। बताया जा रहा है कि वहां के एक इलाके में 69 परिवारों पर मकान गिरने का खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में 8 परिवारों को दूसरी जगहों पर शिफ्ट किया जा चुका है, क्योंकि कर्णप्रयाग में भी कई मकानों में दरारें पड़ गई हैं। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें कई लोगों के मकानों की दीवारों से लेकर छतों पर काफी लंबी और चौड़ी दरारें देखने को मिली, जिससे लोगों में दहशत पैदा हो गई। उन्होंने इसके लिए वहां के ड्रेनेज सिस्टम और इलाके के नीचे की तरफ बनाई गई सब्जी मंडी को कसूरवार ठहराया। पानी को निकलने के लिए बड़ी दिक्कतें हैं। वहाँ रहने वाले लोगों को डर है कि कर्णप्रयाग में भी हालात जोशीमठ जैसा ना बन जाए, क्योंकि वो वहाँ से दूसरी जगहों पर जाना नहीं चाहते।